राजा बाबू। आज भी माँ को नहीं लाया पापा। मलिक, राम जी, डॉक्टर, मलिक, मलिक। सिस्टर, देखो इन्हें हिलने मत देना। जैसे ही खतरा महसूस करो, सरहाने रखी गोली इनकी जबान के नीचे रखना और मुझे फौरन फोन करना। ओके? ओके डॉक्टर। पापा, ये मुझे नहीं आने देती। नर्स, छोड़ दो इसे। पापा, तुम सोने जाते हो? हाँ मम्मी। पापा, तुम तो कह रहे थे आज मैं जरूर आ जाएगी। कल, आज नहीं कल। कल तो रोज आते पापा, पर माँ नहीं आती। कल तुम्हारा जन्मदिन है ना बेटे, कल माँ जरूर आएगी। मेरा हैप्पी बर्थडे इसलिए माँ आएगी ना, सच्ची सच्ची बोल ना पापा, माँ आएगी ना, कब आएगी? मुन्ना, अब पापा को सुने दो, आओ। चलो पापा, अब कह रहे थे ना कि माँ टूट कर भगवान के घर चली गई, कि मैं दूध नहीं पीता, मैं इतना सारा दुख दूंगा। जीते रहो बेटा। आओ मुन्ना। बाबू, तुम कुछ नाराज हो? नहीं मालिक, मैं गरीब आदमी, मुझे दुख है तो सिर्फ एक बात का, मालकिन पर लोग सिधा गई। दुनिया में कोई ऐसा देखा है जो जाने वाले को वापस लिया? फिर आपने इस मासूम से झूठ क्यों बोला? कल इसकी मां आ जाएगी। नहीं रामू, अब की झूठ नहीं बोला। मालिक, वो गोपाल है ना, मेरा दोस्त, भाई से भी बढ़कर मेरा सब कुछ, तुम तो उसे जानते हो रामू। मैंने उसे और उसकी पत्नी को बुलाया है, भाभी मुन्ने की माँ हो जाएगी बस। राम राम भाभी, मालिक अंदर है। अरे क्या हो गया बेटा? अरे जा रही बड़ी आई, पता उसे चलता है जिसे लगती है। तू झुक झुक जिए मेरे लाल, तेरी आई मुझे आ जाए, हम बूढ़िया और किस दिन के लिए बैठी हैं? इसमें बूढ़े और जवान की बात नहीं है माँ जी। गोपाल नहीं आया भाभी? नहीं भैया जी, उनका कोई केस था कचहरी में। खैर, आप अच्छे समय पर पहुंच गई भाभी, मुझे तो अगले दम का भी यकीन नहीं है। अरे बेटा, वो तो तुमने लिख ही दिया था, भगवान ना करे कुछ ऊपर नीचे हो जाए, इसलिए चिट्ठी मिलते ही पहली गाड़ी पकड़ी और पहुंच गए। हाँ भाभी, मैं भी तुम्हें मुन्ना और उसकी अमानत जल्द से जल्द सौंप देना चाहता था। ये क्या है भैया जी? मैंने अपनी सब जायदाद मुन्ना के नाम कर दी है और गोपाल को ट्रस्टी बना दिया है। हाय, तू जीते जागते ऐसी अपशगुनी की बातें क्यों कर रहा है बेटा? तू फिक्र मत कर, ला मुझे दे, मैं सब संभाल। मुन्ना कहाँ है भैया जी? मुन्ना, मुन्ना, मुन्ना बेटा, क्या है? तुम्हारी माँ आ गई। माँ आ गई? मैं कहाँ है माँ? कहाँ है? मैं यहाँ हूँ मुन्ना। नहीं, तुम मेरी माँ नहीं हो। नहीं, ये मेरी माँ नहीं है पापा। अरे यही तेरी माँ है बेटा? नहीं, मेरी माँ सफेद साड़ी पहनती है, लंबे लंबे काले बाल हैं, माथे पे बड़ी बड़ी लाल बिंदी लगाती है, है ना पापा? नहीं बेटे, यही तुम्हारी माँ है, यही तुम्हारी माँ है। नहीं, तुम मेरी माँ नहीं हो। आओ बेटे, मेरे पास आओ। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। तुम
कहाँ हो पापा? तुम कहाँ चले गए पापा? अब मैं माँ को लाने के लिए नहीं कहूंगा, तुम आ जाओ ना पापा, मुझे अकेले बहुत डर लगता है। रोनी मनोहराजा, रोनी बेटा, तुमसे कितनी बार कहा है, पापा बहुत दूर गए। इधर दूर रामू काका। बेटा, ये तो मुझे भी नहीं मालूम। तू रो मत, तू रो मत। भगवान का घर किधर है रामू काका? भगवान का घर मुन्ना, वो जहाँ से घंटियों की आवाज आ रही है ना, वो मंदिर ही भगवान का घर है बेटा। मुन्ना, चल दूध पी। नहीं दूंगा। तू? तेरा तो बाबा भी पिएगा। चल, पीता है कि नहीं? नहीं दूंगा, तू गंदी है। मैं गंदी हूँ? देखा, इसने बड़े बड़ों के होश ठिकाने किए हैं। अरे छोड़ो भी माँ, क्यों उसके पीछे पड़ी हो? तू चुप कर, ये लाल प्यारी सदनाश करता है बच्चों का। तुझे भी मैंने ऐसे ही ठीक किया था काल कोठी में बंद करके। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। छाए मर गई कुत्ते के पिल्ले, ले जा तुझे शीतला आया झाड़ घर की। लुटकर भगवान के घर आई थी तो मैं बहुत छोटा था, फिर तुम बहुत दिन तक वापस नहीं, तो फिर मैं बड़ा हो गया। लेकिन मन्ना, तुमने ये कैसे समझा कि मैं तुम्हारी माँ हूँ? जैसे पापा बोले थे सच्चे सच्चे तुम वैसे हो माँ। पापा क्या बोले थे? पापा बोले तुम्हारी माँ बहुत सुंदर है, माथे पर बड़ी बड़ी लाल बिंदी लगाती है, लंबे लंबे काले बाल हैं, सफेद साड़ी पहनती है। पापा ने सच्ची सच्ची बोला ना माँ? हाँ बेटे, लेकिन मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। नहीं 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 पापा, तुम झूठ बोलती हो, तुम पापा से रूठी हो ना, इसलिए ऐसे बोलती हो। मैंने भी पापा से इकट्ठे कर लिया है माँ, मैं भी रूठ गया हूँ पापा से। तुम पापा से क्यों रूठ गए हो मुन्ने?
माँ पापा बहुत खराब है। मैंने पापा को बोला था माँ को पप्पी देकर भगवान के घर से मना कर ले आओ, लेकिन माँ वो दूसरी माँ ली है, रात में उसके माँ को भी ले आए, वो दोनों ही बहुत खराब है माँ। नहीं नहीं बेटे, ऐसा नहीं कहते। क्यों नहीं बोलते माँ? ये देखो उस बूढ़ी ने मुझे कैसे चुटकी काटी, ये देखो। हाय राम, एक फूल से बच्चे पर इतना जुल्म। और पता है माँ, मैं सोया था तो पापा कर चले गए, बूढ़ी से पूछा पापा कहाँ है, मुझे बहुत मारा माँ, घसीट कर कमरे में बंद कर दिया, खाने को भी नहीं दिया। और पता है मुझे क्या बोला? क्या? मुझे कुत्ता भी बोला माँ, क्या मैं कुत्ता हूँ माँ? ना ना मुन्नी, तू तो राजा है बेटे, चुप हो जा, चुप हो जा। माँ अब हम पापा के घर नहीं जाएंगे, वो हमें लेने आएंगे, तुम छुप जाएंगे। माँ अब मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा। मेरे पास? हाँ माँ, भगवान रहने देंगे ना मुझे तुम्हारे पास? भगवान, ये तेरी कैसी लीला है, किसी माँ की गोद सूनी कर देता है तो किसी मासूम से उसकी माँ छीन लेता है। मैं समझी थी कि मेरी ममता का संसार लुट चुका है, पर आज आज जब से इस बच्चे ने मुझे माँ कहकर पुकारा है, मेरे सीने में ममता का सागर उमड़ने लगा है। मैंने इसे जन्म तो नहीं दिया मेरे पिता, मगर इसे माँ का प्यार जरूर दूंगी। मुझे शक्ति दे मेरे पिता, मुझे शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति दे। रोती क्यों माँ? रो मत माँ, भगवान हमें यहाँ नहीं रहने देंगे, तुम कहीं और चल जाएंगे। भाई जी ने कहलवाया है आज खास मेहमान आने वाले हैं। अच्छी बात है, मैं जल्दी आती हूँ। तुझे ये क्या है माँ? ये घूमने हैं बेटे। कितने आके? चलो अब तुम सो जाओ। नहीं मुझे तुम्हारे पास सोना है। हाँ हाँ मैं हूँ ना तुम्हारे पास। खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अजी क्या बात करो खान साहब, मन ने भी कोई महफिल से उठा के ले जा रहे।
तो मैं भी यही रोता। बिल्कुल खान साहब जी, तारी मारी जिंदगी तो कोटे पर कटी है, मगर ईशो छोटा आए तो गंगा भाई कह देखियो। सेठ जी, हम तो 20 साल के बूढ़े होकर आए थे कोठे पर, ये तो भगवान भी जाने। सही उम्र तो यही आशिकी की। हाँ। जवाब नहीं गंगा भाई के हुस्न का। इस उम्र के लौंडे भी इन पर आशिक है, क्या समझे? सेठ जी, मैं माफी चाहूंगी इस बेलुत्फी की जो अभी अभी अचानक हो गई। ये मैं माफी मांगने की क्या बात है मनोरमा भाई, मन ने तो बड़ो मजो आया तो खान साहब। क्या बात है, पर गंगा भाई से परे ने मुखड़ा करके मन ने दिल को कितने देर और तसा होगा कि हो जाए को किधर गाने को फिर गणेश। जरूर सेठ जी, पर मैं देख रही हूँ आज महफिल में मजाक का रंग छाया हुआ है, अगर इजाजत हो तो मैं भी एक हल्का सा मजाक करूं। अजी एक मजाक की क्या बात करो गंगा भाई, 1000 मजाक करो। दिल ये कुण को है, हमारी जान जिगर कुण को है, तीर पे तीर चलाओ थने डर कुण को है। वाह सेठ जी, मुकर अजी मुकद्दर तो इनके हाथ में है। लेकिन सेठ जी डरती हूँ, मजाक कभी कभी कड़वा होता है, कहीं बुरा न लग जाए। ये बात करो जी, थारी तो गाली भी फूल बन के लागे मने, फूल बन के। वाह सेठ जी, वल्ला हाजिर जवाब हो तो आप जैसा। थैंक यू। हाँ तो गंगा भाई, हो जाए कुछ करारी करारी चीज। हाँ सुनिए जी, मुलाहजा फरमाइए, मगर मेरे सर की कसम उठना जाइएगा महफिल से। कयामत तक न उठे न जाने मन, वादा रहा। और सेठ जी आप अजी हमारी क्या बात करो, थारी महफिल में तो देवता भी उतर आवे तो स्वर्ग की अप्सरा ने भूल जावे। एक बार नजरा मिलाकर मुस्कुरा दियो गंगा भाई तो सारी जिंदगी अठे ही लेटा रहूं। तो वादा रहा। अजी वादे की क्या बात करते हो, ये भी लेट जाता हूँ नहीं। तो जिगर थाम के लेटो, मेरी बारी आई। Thank you.
आए थे यहाँ कि नाच गाने से कुछ तबीयत बहल जाएगी, मगर यहाँ तो तवास ने हमारी पगड़ी उछाल दी। सर पगड़ी की क्या बात करो खान साहब, हमारी तो टोपी टेढ़ी हो गई, चार छह महीने शीशा में मुखड़ा को नहीं देख सका के शर्म के मारे। चलो यहाँ से। अरे अरे खान साहब, हुजूर बंदा परवर, शर्म के मारे तो मैं मरी जा रही हूँ। अजी थोड़े शर्म के मारे मरने जिन्हें क्या फर्क पड़े हैं, रहने दो सेठ जी, चलो यहाँ से। अजी चलो, तुम हमारे तो बेइज्जती हुई है और हमारी बेइज्जती करने वाला बैठे बैठा खुशियाँ मना रहे हैं। हुजूर खान साहब चलिए, ये कोई गंगा नदी थोड़ी है कि दुनिया में बस एक है, ये तो गंगा बाई है। गंगा बाई भाया, आंटी में पैसो होना चाहिए पैसो, जो गंगा बाई तो गली गली में मिले है, मनोरमा बाई भी। हाँ हम तो चल दिए। अजी तो हम किधर छोड़ के जा रहे हो कंजरों के? अरे कितना खा साहब सुनिए ना, खा साहब खा साहब, आपको मेरे सर की कसम रूठ के मत जाइए। सेठ जी कम से कम आप तो रुक जाइए ना। मैं रुक जाऊं क्यों, मैं थारी जात बिरादरी कम क्या? कंजर क्या रही, तवायत बनकर भी तुझमें तहजीब आई ना शराफत? आज पहली बार शराफत ने ईद का जवाब पत्थर से दिया है भाई जी, जिसे मैं अपना बेटा समझती हूँ उसे इन वहशियों ने मेरा आशिक, तू उसे अपना बेटा समझती है मेरी बला से, लेकिन मेरे घर को यतीम खाना कब से समझ लिया? ना तू उस कलमुहे को यहाँ लाती, ना भरी महफिल में मुझे बेइज्जत होना पड़ता। आप तो मजाक करने लगी भाई जी, इनमें से कौन इज्जतदार था जो आपकी बेइज्जती कर गया? जिन्हें अपनी इज्जत का एहसास होता है वो दूसरों की इज्जत से खिलवाड़ नहीं करते। ये सब उस गंदी नाली के कीड़े हैं जो दिखाई नहीं देती, इसीलिए तो सीधे साधे रूप कभी न समाज सुधारक और कभी समाज रक्षक का नाम दे देते हैं। वारी मेरी बन्नो, तबायफ और समाज की बातें, तो क्या तू इस कोठे को भी समाज सुधार का आश्रम समझती है? आप ही का कोठा क्या, मेरा बस चले तो मैं हर कोठे को एक आश्रम में बदल दूं, एक ऐसे मंदिर में बदल दूं जहाँ समाज के ठुकराए हुए मजबूर और बेसहारों की लाज धर्म इज्जत की रक्षा हो सके। जब तू इसी समाज और धर्म की ठुकराई भी यहाँ पहुंची थी उस वक्त कहाँ थे तेरे मंदिर और आश्रम? तुझे इसी कोठे पे सहारा मिला था। आप जिसे सहारा समझती हैं वो आपका वहम है, यहाँ तो सहारा देकर सब कुछ लूट लिया जाता है। पर आप ये सब क्या समझेंगे भाई जी, आप ना तो किसी की माँ है ना बहू ना बहन, आपने सिर्फ जिस्मों का व्यवहार करना सीखा है। शराफत और लाज का सौदा करने वाली क्या जाने माँ की ममता। जब तवायफ माँ बन जाती है तो बाजार में उसका भाव गिर जाता है, उसके आशिक घट जाते हैं, और तू है कि माँ बनने के ख्वाब देख रही है। मेरे होते हुए तू कभी माँ नहीं बन सकती, कल सुबह ही उस मनुष्य को किसी यतीम खाने पहुंचा दिया जाएगा। भाई जी मेरे होते हुए मुन्ना को यहाँ से कोई नहीं ले जा सकता, आप भूलती हैं जब कोई किसी माँ से उसका बच्चा छीनने की कोशिश करता है तो वो माँ अपने संतान की रक्षा के लिए दुर्गा का अवतार बन जाती है। दुर्गा का अवतार बन जाती है? उस्ताद जी दंडोत कीजिए दुर्गा को। तबले की थाप पर नाचने वाली मुझे अपनी उंगलियों पर नचाने की जुर्रत कर रही है। गंगा जाओ अपने कमरे में, एक बात हमेशा के लिए अपने पल्ले बांध ले, तवायफ का पेशा शेर की सवारी है, जो एक बार सवार हो गया हो गया, उसका सफर खत्म होता है दोनों में से एक ही जगह, चिता के ऊपर या कब्र के अंदर। उस्ताद जी कल सुबह उस मनुष्य को किसी यतीम खाने के गले मराइए। मत गंगा, आंसू पोछ,
क्या सोच रही है? सोच रही हूँ कि क्या मुझ नसीबों जली की दुनिया बस बस कर उजड़ती ही रहेगी। इस नन्हे ने गोमती के किनारे मंदिर में भगवान और तुलसी को साक्षी मानकर मुझसे एक रिश्ता कायम किया था, तो क्या वो रिश्ता भी टूट जाएगा? और मैं जो इसकी माँ बन चुकी हूँ, तो क्या मेरे होते हुए इस मासूम को किसी यतीम खाने में भेज दिया जाएगा? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, ऐसा नहीं होने दूंगी। माफ कीजिएगा, गाड़ी चल पड़ी थी, मैं अगले स्टेशन पर उतर जाऊंगी। अरे उतरने की क्या जरूरत है, बैठिए ना, बैठो। मेरे पास थर्ड क्लास का टिकट है। टिकट का किस्मत खराब जो थर्ड क्लास का है, लेकिन पैसेंजर फर्स्ट क्लास। जी, कुछ कहा आपने? जी हाँ, लड़के को लेटा दीजिए ना, कब तक खड़ी रहेंगी? बैठ जाइए, बैठ जाइए। अगले स्टेशन तक ही जाना है क्या? जी नहीं, बम्बई जा रही हूँ। मार कोई लाश, तबीयत खुश कर दी, सुंदर साथी, सुहाना सफर। बम्बई में कहाँ रहती है आप? हैं? पहली बार जा रही हूँ। कौन कौन है वहाँ आपका? वहाँ क्या, सारी दुनिया में मुन्नी के सिवा मेरा और कोई नहीं। हाँ? क्या बात करती हो, एक बार प्यार से देखो तो सारी दुनिया तुम्हारी हो जाए। हमारे तरफ प्यार से देखो, हम भी तुम्हारे हो जाते। होश में तो है आप, ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती? शराब पी रखी है ना, इसलिए नहीं आती। तुम भी जरा सी पी लो तो तुम्हें भी शर्म नहीं आएगी। लो पियो, पियो। हाँ, शराब पीकर आदमी सच में बेशर्म हो जाता है। शराब होकर शराब की बेइज्जती करती है? अरे हाथ छोड़ दिया तो फिर कहोगी दुनिया में मेरा कोई नहीं है। अगर तुझमें जरा भी गैरत है तो इस औरत से माफी मांग, नहीं तो मैं ये तेरा छोबड़े का जोग्राफिया बदल दूंगा। मैं तुझे जेल भेजवा दूंगा, तू अपने आप को समझता क्या है? अरे चुप, माफी मांग, नहीं तो अभी चैन खेल के पुलिस को बुलवाता हूँ। जाने दीजिए भाई साहब, दुनिया का ये पहला इंसान नहीं जिसने किसी की मजबूरी का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश की है। मेरे लिए यही कसम है कि इसकी कोशिश नाकाम हुई। आइए बहन, आइए। ये है हमारी खोली, आइए। मेरा मुन्ना पापा, मुन्ना पापा, अरे बुडू। बहन, ये खोली भी मेरी तरह है, इसे भी कभी माँ की ममता और बहन का प्यार नहीं मिला। क्या बक रहा हूं मैं? अरे तुम यहाँ खड़ी हो, आओ बैठो, बैठो, आओ बैठो। अरे ऐसा सोफा तो क्वीन एलिजाबेथ के महल में भी नहीं होगा। अगर किसी अंग्रेज को ये कह के मैं भेज डालूं कि इसके ऊपर मिर्जा गालिब बैठ के शायरी करते थे तो 1,00,000 रुपए में बिकेगा।
आज से मैं ये काम नहीं करूंगा। अपनी बहन और मुन्ने के लिए मेहनत मजदूरी करूंगा और एक अच्छे इंसान की जिंदगी बसर करूंगा। अजी सुनते हो, शादी हुए अभी 6 महीने भी पूरे नहीं हो चुके, समझे? और लगे लड़कियों को लाइन मारने? नहीं मेरे गुलाब के फूल, मैं तो सिर्फ देख रहा था। चुप रहो, आज के बाद फिर कभी किसी लड़की की तरफ देखा ना तो सारा दहेज लेकर अपने बाप के घर वापस चली जाऊंगी। नहीं नहीं मेरी दिल की धड़कन, ऐसा न करना, तुम्हारे बगैर मैं मर जाऊंगा। मर जाऊंगा, तुम जैसा कहोगी मैं वैसे ही करूंगा। ठीक है, ये थामो बैग, मैं अभी आती हूँ, समझ गए ना? जी पहचाना मुझे? अभी तो मैं अपने आप को भूला हूँ। अच्छा ये बात है, तो बुलाओ सेठानी को, वो सब याद दिला देगी। क्यों जुल्म कर रहे हो भाई? पहचाना पहचाना, रात ट्रेन में। सेठ जी वो ट्रेन की बात सेठानी को बता दूँ? क्यों राजा, क्या चाहिए मुझसे तुम्हें? क्या चाहिए? सेठ जी मुझे एक नौकरी मिला। नौकरी वोकरी मेरे पास नहीं है, कुछ और बात कहो। ये बात है, नौकरी तुम्हारे पास नहीं है तो मैं सेठानी से नौकरी मांगूंगा। सुनो सुनो तो सही। क्या है? तुम्हारी नौकरी पक्की? पक्की? हाँ पक्की। तनख्वाह? हाँ मंजूर। एडवांस? वो भी मंजूर। चलो निकाल ऑर्डर। हाँ हाँ अभी अभी दिया, अभी दिया। हेलो अभी एडवांस, ये लो बाबा, जान छोड़ो, ये लो एडवांस और ये लो पता, कल सुबह काम पर पहुँच जाना। बहुत 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 धन्यवाद। आया आया अभी गंगा बहन। सुबह कहाँ चले गए थे भाई साहब? मैं जरा बाजार गया था मिठाई लाने के लिए। ओफो, चार पैसे हाथ आ गए हैं ना, जब तक खत्म नहीं कर लेंगे चैन नहीं आएगा। एक अच्छी खबर सुना? क्या? मुझे भी काम मिल गया है। अच्छा कहाँ? भगवान की मूर्तियाँ रखने का, यहीं पड़ोस में। काम का काम, पूजा की पूजा। कितना अच्छा काम मिला है तुम्हें। मैं आपके लिए चाय लेकर। पहले तुम हाथ धोकर आओ। क्यों हाथ धो के? क्यों? अरे हाथ धोकर आओ ना, फिर कहूंगा। अब बताइए भाई साहब। कितना अच्छा लगता है तुम्हारे मुंह से भाई साहब, बहन एक बार फिर कहो। इसमें कहने की क्या बात है, भाई साहब तो आप हैं। थैंक यू थैंक यू। अच्छा एक काम करो, आंखें बंद करो, हाथ आगे बढ़ाओ। जानती हो आज कौन सा दिन है? राखी नहीं भाई साहब, मैं आपको राखी नहीं बांध सकती। क्या? तुम मुझे राखी नहीं बांध सकती? मेरे नसीब ही ऐसे, मेरे लिए ये क्या कम है कि तुम मुझे भाई साहब कह के बुलाती हो। तुम सच कहती हो, मुझ बदनसीब को कौन राखी बांधेगा? अगर मेरी माँ जाई होती तो आज मेरा यह हाथ कांपता नहीं रहता। ऐसा न कहिए भाई साहब, ऐसा न कहिए। आप मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते। आप नहीं जानते कि मेरे छूने भर से ही पवित्र धागा अपवित्र हो गया। राखी जैसे पवित्र बंधन का धागा अगर बहन के छूने से अपवित्र हो सकता है तो वो कौन सी ऐसी बात है? बताओ। मत पूछिए। तुम्हें बताना होगा। मत पूछिए। मैं कहता हूँ तुम्हें मुन्ने की कसम बताना होगा। अच्छी बात है, तुम सुन ही लीजिए। अगर मेरा सगा भाई भी होता तो क्या उसे शर्म आती मुझसे राखी बंधवाती?
लो राखी बांधो। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि अगले जन्म में मुझे तुम्हारा सगा भाई बने। लो बांधो राखी। से लिफ्ट नहीं लेता, मां ने मना किया है। तुम भी उसी तरफ जा रहे थे ना, जाओ जाओ लिफ्ट ले लो। थैंक यू। जाओ भाई। मेम साहब, क्या आप मुझे बांद्रा तक छोड़ देंगी? बांद्रा तो क्या, मैं आपको चिड़ियाघर तक लिफ्ट दे दूं, मगर क्या करूं, मेरी गाड़ी खराब हो गई है। आई एम सॉरी। क्या हुआ? लिफ्ट बिगड़ गई, मेरा मतलब है गाड़ी खराब हो गई। तो मैंने आपकी मदद की, ऊपर से आप प्यारी प्यारी आंखें दिखा रही हैं। ए मिस्टर, व्हाटएवर इज योर नेम, मुंह संभाल के बात करो। ए मैम साहब, जो भी आपका नाम है, गाड़ी बिगड़ गई, आप क्यों बिगड़ रही हैं? कार का तो मैकेनिक मिल जाएगा, आप बिगड़ी तो मैकेनिक मिलना मुश्किल है। ओफो, यू आर अ बोर। दैट्स इट। सरदार जी, मैंने पहले आवाज दी थी? जी नहीं, पहले मैंने आवाज दी थी। ठीक है सरदार जी, तो आप ही फैसला कीजिए। आओ मैम साहब, धर्म रूप की गलत एक पहला आवाज मैं मुंडे दी सुनी है। मुंडा क्या होता है? जेड़ा कुड़ी नहीं होता। कुड़ी मुंडा ये सब क्या है? साडे पंजाब विच कुड़ी लड़के नु कहंदे हैं ते मुंडा लड़के नु कहंदे हैं, समझे मैम साहब? जाने दीजिए सरदार जी, मैं शांति प्रदेश का रहने वाला हूँ, झगड़ा नहीं करना चाहता। आप ही नहीं ले जाइए, वैसे जमाना भी आजकल इन्हीं का है। बैठ जाओ मैम साहब। मैम साहब, मुंडा मैनु चंगा लगता है, घाटो घाटो इन लिफ्ट दे दियो। ये लड़कियों से लिफ्ट नहीं लेते, इनकी माँ ने मना किया है, पर मुझे ऐसी कोई तकलीफ नहीं। लेकिन मुझे तकलीफ है, गेट लॉस्ट। चलो सरदार जी। अरे अरे, आप पैदल जा रहे हैं? आइए आइए, हम आपको लिफ्ट दे देते हैं। आरती, ये लड़कियों से लिफ्ट नहीं लेंगे, इनके माँ ने मना किया है। क्यों जी, माँ ने ये तो नहीं कहा ना किसी लड़की को लिफ्ट ही नहीं देना? हुजूर, कोई लिफ्ट देने के लायक तो हो। क्यों जी, हम में क्या कमी है? कमी नहीं जी, ज्यादती है। वेरी स्मार्ट, वी शो हिम।
काका। माँ तुम, माँ तुम इतनी रात तक मूर्तियां रंगती रहती हो, अब तुम ये काम करना छोड़ दो। छोड़ दूंगी जब तू इंजीनियर बन जाएगा। अभी तुझे तो खुद अपनी पढ़ाई के लिए होटल में गाना गाना पड़ता है। जा मामा जी को उठा, मैं खाना निकालती हूँ। माँ तुमने खाना खाया? नहीं तो। माँ तुम खाना खा लिया करो, मेरा इंतजार मत किया करो। जब इंतजार करने वाले घर ले आएगा तो इंतजार नहीं किया। मामा जी अरे इंतजार करने वाली ले आओ, एक खूबसूरत लड़की देख कर बस फौरन एडवांस बुकिंग कर डालो, समझे? वरना नहीं जाओगे मेरी तरह उम्र भर कुंवारे से कुंवारे। अरे नहीं मामा जी, अभी तो आपकी उम्र ही क्या है। कहो तो माँ से कहकर एक कदम मामी के एडवांस बुकिंग करवा दू। तुम्हारी मामी? हाँ। यानी मेरी मेरी मेरी, मेरी, मेरी ओ, 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 मामी माहो। नकली सिंह है, असी तोड़े फैन है। ओहो फैन तो बड़ी पुरानी चीज है, असी तोड़े एयर कंडीशन है। एयर कंडीशन की है? एयर कंडीशन। थैंक यू सरदार जी। पैदल कितने जा रहे हो बादशाह? गड्डी हाजिर है। लेकिन सरदार जी मुझे लेकिन वेकिन कुछ नहीं पापा जी, सानू तो यारां दी सेवा दा शौक है। आजा आजा गड्डी विच बैठ जाओ। मर्दों वाली गल। चल पुत्रा तेरे खेता नी रखवाली, मैं नहीं जाना पापा जी, और मैं नहीं जाना। ओहो क्यों बादशाह कुड़िया नु लिफ्ट दे दिए? जरूर दीजिए सरदार जी, गाड़ी आपकी और मालिक भी आप है। ओ आ जाओ कुड़िया, आ जाओ बैठ जाओ, बैठ जाओ गाड़ी में। आ जाओ। लगता है कि लिफ्ट देना आपकी पुरानी आदत है। ओहो सड्डे को ला जाओ बादशाह, कुड़िया नु बैठ जान दो। आओ जी आओ जी। हाय हेलो। आप सचमुच के हैं? आपको कोई शक है? अरे ये तो बोल भी लेते हैं। एक्सक्यूज मी, आप सरदार जी के क्या लगते हैं? वही जो आप लगती हैं। ये आप कैसे कह सकते हैं? हो सकता है मैं इनकी होने वाली साली हूँ। ठीक है आपने, आप शक्ल से ही साली मालूम होती हैं। व्हाट की गला कर दो पापा जी, सड्डा पे आले ब्याह ही नहीं हुआ। हो जाएगा सरदार जी, अभी तो आपकी उम्र ही क्या है। आपकी भी शादी नहीं हुई? बिल्कुल बाल ब्रह्मचारी हूँ। कोई रोमांस वमांस कहीं कुछ वो? जी नहीं, लगता है कि सारी जिंदगी ब्रह्मचारी ही रहना पड़ेगा। ओह हाउ सैड।
नयन के लिए रोशनी गुड लक। चल है। क्या आपने कहीं भी रोमांस करने की कोशिश नहीं की? जी अभी भी कर रहा हूँ, पर लगता है कि तो बेकार है। अजी बेकार क्यों है, अभी तो आप बहुत तरक्की पर है। तभी तो माँ के मना करने पर भी आपने एक लड़के से लिफ्ट ले ली। लिफ्ट तो मैंने सरदार जी से लिए, ये आपको लड़की लगते हैं? आप ही देख लीजिए। गाड़ी रोकिए। आप घबराइए नहीं, हम आपकी माँ से नहीं कहेंगे, आपको बिल्कुल मार नहीं पड़ेगी। अरे हम तो समझे थे कि आप बड़े हो गए, मगर ऐसा लगता है कि आप तो अभी भी बाजू में दूध पीते हैं। खाना भी माई खिलाती होगी अपने हाथ से, कपड़े भी माई पहनाती होगी अपने हाथ से। गुस्सा क्यों कर दो बादशाह? ये भी क्या आपकी माँ ने सिखाया है? माँ के नाम का मजाक उड़ाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? माँ तो वो ममता का रूप है जिसके पांव तले स्वर्ग है, मगर तुम क्या जानो माँ क्या होती है? मुझसे पूछो, मेरी माँ मेरा मंदिर है, मेरी पूजा है, मेरा भगवान है। मैंने कई बार माँ की आंखों में भगवान को देखा है। मेरा बस चले तो मैं भगवान का नाम बदलकर माँ रख दूं। मैं कभी शादी नहीं करूंगा माँ, कभी नहीं। कौन है वो, किससे झगड़ा कर बैठा है? कोई नहीं माँ, किसी से नहीं। उनसे छुपा रहा है, बता ना। तुम मेरी सब कुछ हो माँ, मेरा आदर्श हो। अगर कोई तुम्हारी बेइज्जती करे तो मैं उसकी जान ले लूं। लेकिन मेरी बेइज्जती कोई क्यों करेगा? बेइज्जती नहीं माँ, अगर तुम्हें कोई बुरा भी कहे तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे बुरा क्यों कहेगा कोई भला? बुरा नहीं माँ, अगर कोई मजाक भी करे। मजाक? मजाक तो कोई भी किसी के साथ कर सकता है मुन्ना, अगर वो मजाक के रूप में हो तो। नहीं माँ, के बारे में नहीं। सुन, जिस लड़के ने तेरे साथ मजाक किया। लड़का नहीं माँ। तो लड़की? लड़की है। जब उसे एहसास होगा कि उसका मजाक तुझे बुरा लगा है तो जरूर माफी मांग लेगी। माँ तुम जानती नहीं, आजकल की मॉडर्न लड़कियां गलती करके माफी मांगना अपनी बेइज्जती समझती हैं। बहुत सुंदर है वो। पगला, चल खाना खा। एक्सक्यूज मी। यस। एक मिनट इधर आइए। यस। मैं रात के बाद पर बहुत शर्मिंदा हूँ और आपसे माफी मांगने आई हूँ। क्या फिर किसी ताजा शरारत की शुरुआत है? जी नहीं, मेरा यकीन कीजिए, मैं सचमुच आपसे माफी मांगने आई हूँ। अगर आपको अपनी गलती का एहसास है तो माफी मांगने की जरूरत ही नहीं। तो फिर मैं समझ लूँ आपने मुझे माफ कर दिया? यकीनन माफ किया। अच्छा तो मिस्टर समीर, हम दोनों दोस्त? मिस्टर नहीं, सिर्फ समीर। अच्छा समीर, आज शाम को तुम्हें मेरी पार्टी में आना होगा। जी नहीं, मैं नहीं आ सकूंगा, माफ कीजिएगा, मेरी बस आ गई। बाय बाय। तो इसका मतलब यह हुआ आपने मुझे माफ नहीं किया? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर कहिए, आपने मुझे माफ कर दिया और शाम को मेरी पार्टी में आ रहे हैं? प्लीज कहिए ना, कहिए ना, आपने मुझे माफ कर दिया, कहिए ना, आपने मुझे माफ कर दिया, कहिए ना, प्लीज। आपकी पार्टी में जरूर आऊंगा, लेकिन एक शर्त पर। कहिए। इसी वक्त जोर से हंसो, हंसो, हंसो। हाय हाय जानवी। हाय जान मेरी, तुम तो सर से पांव तक मोहब्बत लग रही हो। ये बेकार आदमी हो रोशनी, आता ही होगा। कल तक जिसका मजाक उड़ाया आज उसी की दीवानी हो बैठी। आए ना बालम वादा करके,
मेरी जान, जब दिल दे ही दिया है तो फिर यारों से क्या पर्दा, और फिर उसमें तेरा क्या कसूर यार? वो समीर कमबख्त चीज ही ऐसी है। बड़ा जालिम है समीर, हमारी डालने को तड़पा रहा है। तुझे क्या तकलीफ हो रही है? चांदनी लगी शक, वो नहीं आई, चुप रह काली जुबान वाली। अच्छा जरा इधर आना। रोशनी यार, अगर वो सचमुच नहीं आया तो क्या होगा? मुझे पूरा यकीन है वो जरूर आएंगे। अरे यार पलट, वो देख आ गया। हेलो, थैंक यू, प्लीज कम। फ्रेंड्स, आई डोंट थिंक ही नीड्स एनी इंट्रोडक्शन। नहीं नहीं साहब, हम सब इनको अच्छी तरह से जानते हैं, आपकी तरफ से भी जानते हैं, खुद की तरफ से भी जानते हैं। बहुत सही बोलिएगा। हे, आई वांट टू मीट यू, गिव मी योर टेलीफोन नंबर। रॉन्ग नंबर। रोशनी, हम सब की रिक्वेस्ट है कि इस पार्टी की शुरुआत समीर साहब के एक प्यारे प्यारे गाने से हो जाए। लिसन लिसन फोक्स, आप लोग तो मेरा गाना कई बार सुन चुके हैं, आज मुझे मौका मिला है कि आप लोगों से मैं कुछ सुन सकूं, तो प्लीज आप ही कुछ सुनाइए। राइट, करेक्ट। नहीं नहीं, आप ही सुनाइए ना। मैं नहीं, आप, बल्कि आप सब मिलके सुनाइए। हाँ यार, आज तो ही कुछ सुना दे। मैं क्या सुनाऊंगी? अपने दिल की आवाज। अरे यार वो ही। अरे वाह, आप तो बहुत अच्छा गाती हैं। चलिए प्लीज गाइए ना। आप कहते हैं तो जरूर, मगर एक शर्त है, आप सब लोगों को मेरा साथ देना होगा। मंजूर? डन। अजी आप लोग भी गाइए ना। जानू तुम बिन भी क्या दिल को बेकरारी, महफिल की महफिल थी दीवानी से तुम्हारी, चैनाए जब देखी ये सूरत प्यारी प्यारी। हम भी आए हैं बाहों के हार लेके, होठों पे एक नगमा आंखों में प्यार लेके, इस दिल के शीशे में तस्वीरें यार लेके। आओ आओ जाने जहां, दिल ने चुरा कहाँ कहाँ, आओ आओ जाने जहाँ। लहराए
मैंने आपसे कहा ना कि मैं आपका फैन हूँ, ये पेट्रोल मेरी तरफ से तोहफा समझिए। पैसा काहे को नहीं लेता? ये मेरा पार्टनर है, थोड़ा सा क्रैक है। आप भी फिर जाइए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम तो नेकीराम है, नेकीराम। थैंक यू, इन्हें मिठा नाम है। वीन साहब आप बहुत अच्छी है। बाय बाय। नेकीराम, देखता नहीं इतनी गाड़ियां खड़ी है और तू छोकरी से बातें कर रहा था। यस जी। हाँ। वो छोकरी नहीं है तो फिर क्या है? अरे वो फिल्म स्टार हेलन है, हेलन। हेलन, तू मुझसे क्यों नहीं मिलवा? ये मुंह और ये बॉडी और उससे मैं तुम्हें मिला हूँ, तुम्हारा सिर फिर गया है। जा जा, गाड़ी में पेट्रोल भर। जा। I'm sorry समीर, मुझे जरा देर हो गई। तुम्हारे देर से आने के लिए मैं बहुत पसंद है रोशनी। अगर तुम जल्दी आ जाती तो शायद इतना मजा भी नहीं आता। अच्छा, तुम मुझे पहले बता देते ताकि मैं और देर से आती और तुम्हें और मजा आता। लेकिन इतनी देर हुई कहाँ रोशनी? तुमसे क्या छुपाऊं समीर, दो प्यार करने वालों में कोई राज भी नहीं रहना चाहिए। लेकिन कहीं तुम बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं नहीं, कहो। तुमसे पहले मेरे जिंदगी में एक और प्यार करने वाला आया था, वो मुझे बहुत प्यार करता था। तुम भी प्यार करती थी उसे? थोड़ा थोड़ा समीर, वो बहुत खूबसूरत था। जो भी लड़की उसे देखती थी बस दिल दे बैठती थी। गाना तो इतना अच्छा गाता था कि किशोर कुमार मोहम्मद रफी भी उसके सामने फीके पड़ जाते थे। एक दिन अचानक उसकी शादी हो गई। मैं बहुत रोई पर क्या करती। और फिर तुम मिले और मैंने तुम्हें अपना हमसफर बना लिया। और जब मैं तुमसे मिलने आ रही थी कि वो अचानक मेरी मोटर के सामने आ गया और कहने लगा, मेरी बीवी मर गई है, अब मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने लाख समझाया लेकिन वो मेरी मोटर के सामने से हटा ही नहीं। समीर, वो मेरी जबान तो नहीं समझता, तुम ही उसे समझा, शायद वो तुम्हारी जबान समझ जाए। तुम अभी उसे मोहब्बत करती हो? बिल्कुल नहीं, मैं तो उससे नफरत करती हूँ, नफरत। कहाँ है वो? अब भी मैं उसे ठीक कर देता हूँ। वो ये अमेरिका वाले रॉकेट में बैठ कर चांद पर उतर गए तो समझते हैं बहुत ग्रेट काम कर लिया। अरे हम हिंदुस्तानी तो बिना रॉकेट के चांद पर उतर सकते हैं। निम कुमार, वो कैसे है? एक के ऊपर एक चढ़ के, कम आबादी है क्या? लो सर, तुम्हारा चांद तो मोटर में बैठ के नीचे उतर आया। फिल्म कुमार, तू बहुत अच्छा एक्टर है, आज तू जरा एक्टिंग बता दे तेरी, मेरी जरा मदद कर दे दोस्त। उस्ताद, अभी तक हीरो बनने का चांस नहीं मिला, एक बार मिल गया ना तो सब हीरो लोगों को एक्टिंग सिखा दूंगा। शाबाश है, शाबाश। आज अवेलेबल हूँ, कल सेलेबल हो जाऊंगा। शाबाश। जा, मीम साहब की गाड़ी में पेट्रोल डाल दे। सुन सुन, अगर मीम साहब मेरे लिए पूछे ना तो कह देना कि सेठ बाहर गया है। उस्ताद, ये ड्रेस पहनी है इसलिए। सलाम मैम साहब। सलाम। तुम्हारा सेठ कहाँ है? सेठ तो बाजू में खड़ा है। ये नहीं, तुम्हारा बड़ा सेठ। मैडम, मैं ही तो बड़ा सेठ हूँ, वो तो मेरा नौकर है। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? सेवा तो है, पेट्रोल फुल कर दीजिए। अरे 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 सेठ जी, सारा पेट्रोल बाहर गिर रहा है। मैडम, और कोई सेवा मेरे लायक? अरे अरे अरे, मैम साहब ये क्या कर रही है? सेठ जी आपसे पैसे थोड़ी लेंगे, वो तो आपके बहुत बड़े फैन है। पैसे की फिक्र मत कीजिए, अपना ही पेट्रोल पंप समझिए।
ऐसा कैसा हो सकता है? ठीक है, आप मेरा काम खोल दीजिए। अच्छी बात है, आप रोज दर्शन तो देती रहिए। नीलम कुमार, कुछ देखा? उसकी आंखों से मेरे लिए प्यार का सागर छलक रहा था, देखा तुमने? देख रहा हूँ सेठ, सेठानी प्यार का सागर लिए चली आ रही है। सेठानी? हाँ। इसको कहाँ से? स्वीट मम्मी का, मेरा स्वीट बच्चा। हाँ हाँ हाँ, वैसा ही स्वीट जैसे मेरे देश के 2 लाख रुपए स्वीट से, जिसे तुमने ये पेट्रोल पंप खरीदा है। अरे भगवान, पेट्रोल पंप पे तो अपना लाउड स्पीकर का वॉल्यूम कम रखा करो। अरे फिल्म कुमार। नमस्ते सिठानी जी। जीते रहो भाई। वो मेरे हीरोइन बनने का काम कब होगा? सिठानी जी, वो मैंने प्रोड्यूसर से बात कर ली है। वो कहता था हीरोइन तो सिर्फ आप ही का रहता है। सेठानी जी, लेकिन पूछ रहा था, आपको हीरो कौन सा पसंद है? राजेश खन्ना, बात बाहर ना जाने पाए। बस फिल्म कुमार, मैं जब उसके साथ हीरोइन बन जाऊंगी ना, मुझे तभी चैन की नींद आएगी। लेकिन उस बेचारे की जिंदगी भर की नींद उड़ जाएगी। मालकिन, मालकिन। क्या है भैया? वो बात ये है कि राजेश खन्ना आजकल बहुत टॉप पे है, और साथ ही साथ उसको फिल्म पे रिवॉर्ड भी मिल गया है। हाँ। तो मामला जरा मुश्किल है। मालकिन, वो जितेंद्र या धर्मेंद्र नहीं चलेंगे? नहीं रे, राजेश खन्ना की तो बात ही और है। और देख फिल्म कुमार, मैं कब तक अपना ये फिगर संभाल कर रखूं? ले चाय पानी पी और पूरी कोशिश करना, ये मेरी जिंदगी का सवाल है। जरूर कहूंगा सेठानी जी, जरूर कहूंगा। मेरी नानी, इधर तो आओ, मुन्ने ने छुछू कर दिया। अरे फिल्म कुमार, इधर आया। यार मीन साहब ने क्या पूछा? पूछ रही थी तुम्हारा बड़ा सेठ किधर है। फिर क्या हुआ? फिर वो मोटा ढोल बजा, कहने लगा, यहाँ का सेठ मैं हूँ, वो मेरा नौकर है। अच्छा अच्छा, मीणा कर ढोल में पोल खोल दिया। बिल्कुल खोल दी उस्ताद। लेकिन उस्ताद, तुम्हारी ये जोड़ी जमेगी कैसे? कहाँ वो इतनी बड़ी फिल्म स्टार, और कहाँ कोई चांस नहीं, कोई चांस नहीं। फिल्म कुमार, वो क्या होता है? उसका रेस में गए हो कभी? रेस में नहीं तो कभी नहीं गए। अरे पिछले हफ्ते एक दर्जी को 3.5 लाख रुपए का जैकपॉट लगा था। 3.5 लाख? हाँ, और उसने सोने की मशीन और हीरे की सुइयां खरीदी थी। तो ये रेस, ये जैकपॉट, ये कैसे होता है यार, मुझे बता ना तू। अरे उस्ताद, तुम इसकी फिक्र बिल्कुल मत करो, मैं बताऊंगा। गंगा बहन, मेरा टिफिन तैयार कर दो, मुझे बहुत देर हो गई है, अभी कपड़े बदल कर आता हूं। हे बजरंग बली, मैंने जैकपॉट खेला है, जल्दी से जैकपॉट लगवा देना। भूलना नहीं। बहन क्या बनाया? आलू के पराठे। आलू के पराठे? ओहो, ए धोबी, तुम हमारे कपड़े बराबर धोया करो, सब बटन तोड़ डालते हो कपड़ों। ठीक है भाई। हाँ क्या खेला था जैकपॉट? हाँ खेला था, वही घोड़े जो मैंने गए थे। हाँ, तो लग गया जैकपॉट। हैं? लग गया जैकपॉट। उस्ताद, टिकट कहाँ है? टिकट घर में है। हाँ उस्ताद, उस्ताद। Thank you.
कहाँ गया? मुझको क्या मालूम, सवेरे से नहीं आए, होंगे यही बाजू वाले अड्डे पे। दारू के अड्डे पे? हाँ। बड़ी चढ़ गई है। अरे लल्लू, अरे शरद तू बहुत लंबा हाथ मारा रे, क्या पैंट पहना कोट पहना आज? तुम लल्लू नहीं हो, समझे? लल्लू नहीं हो। आय, मेरे को नशे में समझा क्या लल्लू? अभी तुझे इतना बड़ा एक्टर लल्लू दिखाई दे रहा है? मैं मुकरी हूँ मुकरी, मेरी कोई फिल्म नहीं देखी क्या? अरे मुकरी का तो मैं बचपन से फिल्म देखेला रे, मैं चर्चगेट में रहता था तो उसका कपड़ा भी धोता था। लल्लू तेरे को बहुत चेड़े लिए यार। ऐसा बोल यार, पोजीशन भी तू सत्यानाशी कर रहा है। क्या हुआ कि मैं रेस के घोड़ों पे बहुत हार गया हूँ और फिल्म में भी जरा आजकल बहुत कड़की चल रही है अपनी। अगर किसी ने पहचान लिया कि इतना बड़ा एक्टर ठहरा पिया है तो अपनी तो सत्यानाशी हो जाएगी, समझा? यस सर। अबे चाहिए क्या? चाहिए यार, लेकिन फैशन नहीं है, ये पाए को मालूम। अरे मान ले तो घर को जाओ। तो वो चालू छोकरा है लल्लू। अरे वो एक्टर गया लल्लू। अरे मेरा लल्लू। लल्लू यार तू यहाँ बैठेला, ये चक्कर में एक एक्टर को अभी पीट। वही चाहिए यार, मेरे को चढ़ गई लिए, मैं चलता हूँ। मेरे को भी चढ़ गई लिए, मोहब्बत में ऐसे कदम डगमगाए। हे धोबी, हे धोबी। कौन धोबी? किसको धोबी बोलता है? छेड़ ले क्या? मैं राजा है। अबे हवा, मेरे कपड़े कहाँ हैं? कौन सा कपड़ा? अरे ऐसा करता जैसा मेरा बाप है। कपड़े दिखाता क्या नहीं तुम्हें? क्या करता? अरे नेकीराम बाबूजी आप, ये क्या है? तू नहीं समझेगा। नहीं? बहुत मीठा है। ना, बहन, ना, बहन, बहन, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ। हमारे सारे सपने पूरे हो गए। अरे हमारे पास बंगले होंगे, मोटर होंगी। अरे मुन्ना तुम मैं सब मोटर में बैठ के घूमने को जाएंगे। आपकी तबीयत ठीक है ना? हाँ मेरी तबीयत ठीक है। मुन्ना कहाँ है? मुन्ना, 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 छोड़, दूध छोड़। अरे मेरा मुन्ना, बात क्या है बेटे? हमारे घर में ना कल रुपयों की बरसात होगी। कोई बैंक लूटा है? तुम्हारी माँ तो सब भर्ती सोचती है। बैंक नहीं, मुझे जैकपॉट लगा है। जैकपॉट कौन है? जैकपॉट कौन है? तुम औरतों को क्या पता? खैर जा, सो जा। जैकपॉट कौन है? जा कल सुबह। तू दूध पी ले, इनको तो। हेलेन, मेरी प्यारी हेलेन, लग गया।
तरसे जिसको दिल मेरे हाथ लग गया, प्यार की देश में जैकपॉट लग गया। सारे जहां से कहो दिलवर कहीं का भी हो, महबूब मेरा है वो। सारे जहां से कहो दिलवर कहीं का भी हो, महबूब मेरा है वो। तरसे जिसको दिल मेरे हाथ लग गया, प्यार की रेस में जैकपॉट लग गया। मैं जैकपॉट कैश करके आऊंगा, फिर
चाय पीऊंगा। किधर भाग के? किधर नहीं लाला। अरे हम लोगों का पैसा दे, 100 रुपया। 100 रुपया हो गया? हाँ 100 रुपया हुआ। अभी हम जा सकते हैं? जाओ। सलाम लाला। सलाम। अरे उस्ताद चलो, देर हो रही है। क्या हुआ? 304 रुपए का जैकपॉट लगा। हाँ तो बाकी के 300 का है? पठानों से उधार लिया था ना, 300 रुपए वो आगे लेके गए। इसमें हंसने क्या बात है? नहीं नहीं उस्ताद, फिर खेलेंगे, दिल क्यों हल्का करते हो? चलो तो खेलेंगे। हाँ बिल्कुल खेलेंगे, जरूर खेलेंगे। भाई साहब आप हैं? क्यों, क्या बात है? मैं समझी थी मुन्ना आ गया। क्यों मुन्ना अभी तक नहीं आया? अभी तक नहीं आया, और आप मिठाई से इस तरह ले आए हैं जैसे आपको पूरा यकीन हो के उपास हो जाएगा। इसमें शकी क्या है? वो मेरा भांजा है, वो कभी फेल नहीं हो सकता। अरे वाह, लो मिठाई रखो। हे बजरंग बली, लाज रखना, मेरे मुन्ने को पास करवा देना। हाय हेलन, मैं अभी बहुत बिजी हूं, फिर मिलूंगा, बाय बाय। अरे बहन जल्दी आओ, मिठाई लेकर मुन्ना पास हो गया। आपको किस मालूम है बहन? वो देखो डिग्री लेकर आ रहा है। माँ, माँ मैं पास हो गया। जी सर, बढ़िया मर रहते। देखो माँ, कौन आई है? रोशनी है ना? हाँ माँ रोशनी। नमस्ते माँ जी। जी फिर रहो बेटी, कितने मुबारक कदम है तुम्हारे, पहली बार घर आई और सुना के मुन्ना इंजीनियर बन गया। रोशनी ये मेरे मामा जी। जीती रहो बेटी। रोशनी वैसे तो हमारे घर में बिजली है लेकिन जरा रोशनी की कमी है, जल्दी से इस घर को रोशन कर दो। भाई साहब बच्चों से मजाक करते हुए कुछ तो शर्म कीजिए। लो रोशनी मुंह मीठा करो, तुम भी लो जल्दी से लो, मैं जरा मोहल्ले वालों को खिलाता हूँ। हमारे घर में रोशनी होने वाली है। लो मेरा मुन्ना पास हो गया। लो बेटा ये पास होने की मिठाई है ना, कोई और बात नहीं। और बात? हाँ अरे बहुत बड़ी बात, हमारे घर में बहुत जल्द छेना है बजने वाली, उसकी खुशी में तू एक और लड्डू हटा उसमें। इसको क्या हो गया? इसको दो लड्डू दिया तो रोने लग गई। रो रही है? बात क्या है? सुनोगी तो खुली नहीं सुनोगी माँ। ऐसी क्या बात है? ये देखो। ये क्या है? मेरा अपॉइंटमेंट लेटर है, एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी में मुझे इंजीनियर की नौकरी मिल गई माँ। सच में? भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। ठीक है, अगर आप सारे इंजीनियर की यही राय है तो मैं चेयरमैन साहब को आपकी रिपोर्ट भेज देता हूँ। जस्ट अ मिनट सर। यस मिस्टर समीर। इससे पहले कि बोर्ड का फैसला चेयरमैन साहब तक भेजे और प्रोजेक्ट रिजेक्ट करें, मुझे थोड़ा वक्त दिया जाए। थोड़ा सा वक्त किस लिए? दुनिया में कोई काम नामुमकिन नहीं है सर, मैं जमीन की जांच करना चाहता हूँ। व्हाट नॉनसेंस, कल का लड़का हम बुजुर्गों के तजर्बे को चैलेंज कर रहा है? बुरा मत मानिए सर, मैंने सिर्फ जमीन देखने की इजाजत चाहिए, क्या मुझे थोड़ा सा वक्त मिल सकता है सर? ये क्या बकवास है? जेंटलमैन आप लोग सब अपना फैसला सुना चुके हैं, अगर ये नौजवान कुछ करना चाहता है तो इसे भी पूरा हक है, हमें इसको पूरा पूरा मौका देना चाहिए। मिस्टर समीर आप जमीन की जांच कर सकते हैं। मिस्टर चेयरमैन मेरी पूरी बात सुने बगैर यूं फैसला न कीजिए, मुझे अपना प्लान एक्सप्लेन करने का मौका दीजिए सर, वरना मेरे साथ ये सरासर नाइंसाफी होगी। नो मिस्टर समीर, इसमें नाइंसाफी की कोई बात नहीं, ये करोड़ों रुपए का मामला है, आखिर तुम्हारे प्लान में कौन सी ऐसी ठोस बात है
जिस पर मैं अपना फैसला कायम कर सकता हूँ। मेरी खोज, मेरी छानबीन, वो जमीन जिस पर बिल्डिंग्स बनाने का ख्याल है सर, मैंने उसके जर्रे जर्रे चप्पे चप्पे की छानबीन की। पूरी टेक्निकल रिसर्च के बाद सर, मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि सिर्फ ऊपर की पैनर में जो बिल्डिंग के फाउंडेशन के लिए और भी अच्छी है, उसके नीचे चट्टान आती है जो धरती का कलेजा चीरती हुई निकल जाती है। ये रहा उसका टेक्निकल डेटा सर, ये उस चट्टान का नमूना। ये कितनी गहराई से निकाला गया है? 40 फुट की गहराई से निकाला गया सर। इसमें ना सिर्फ फेरस कंटेंट्स हैं बल्कि लॉबस्टर डिपॉजिट भी। ये चट्टान 1 क्यूबिक फुट में जितना वजन बर्दाश्त कर सकती है सर, उस हिसाब से 20 फ्लोर के आप 50 फ्लोर की बिल्डिंग आप खड़ी कर सकते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। ये 40 फीट की गहराई से निकाला गया है? जी हाँ सर। मिस्टर सक्सेना, आपकी क्या राय है? सर मेरा ख्याल है मिस्टर समीर ठीक कह रहे हैं, लेकिन फिर भी जब तक मैं इस रिपोर्ट को न पढ़ लूं मैं कुछ फैसला नहीं कर सकता। अगर सब डाटा जो आपने दिया है ठीक है तो मैं वादा करता हूँ ये प्रोजेक्ट आपको दिया जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओम जय लक्ष्मी सरस्वती, जय लक्ष्मी। मुबारक हो गोपाल दास सेठ, मुबारक हो। आइए सेठ चेरामल जी, कैसी तबीयत? एकदम फर्स्ट क्लास तबीयत है, नई सेक्रेटरी भी रख ली है। सेठ गोपाल दास, एक बात हमको जो चिंता दे रही है वो ये है कि जो तुम कच्ची जमीन पर पक्की बिल्डिंग खड़ी कर रहे हो, इसमें कुछ रिस्की नहीं है क्या? बिल्कुल रिस्की नहीं है सेठ जी। 6 महीने बाद हम आपको ऊपर 20 माले पे मिलेंगे। वो कौन है भैया? ये हमारे नए आर्किटेक्ट मिस्टर समीर। बिल्कुल नए हो समीर बाबू। समीर बाबू ये तो बताओ कि 6 महीने बाद तुम हमको अकेले ऊपर मिलोगे या बिल्डिंग में मिलेगी? बिल्डिंग भी मिलेगी, पसंद भी मिलेगी। ये सबको ऊपर ले जा रहे हैं भगवान, नोट कर लो जी। मुबारक हो। तुम कब से खड़ी हुई? बहुत देर हुई। तू अपने काम में इतना खोया हुआ था कि कुछ बोला नहीं गया। तेरे मामा जी कह रहे थे कि जो तू कर रहा है उनके समझ में तो नहीं आया कि इसका सर पैर क्या है। मेरे समझ में भी नहीं आया ये सब क्या है। भाई बिल्डिंग का ग्राउंड प्लान है, काम शुरू होने से पहले इस तरह पेपर पर नक्शा बनाया जाता है। और जानती हो माँ, मुंबई में पहली बार मैं 20 माले की बिल्डिंग बना रहा हूँ। अच्छा? एक जरा सी गलती और लाखों का नुकसान, और न जाने कितनी जिंदगियों का खात्मा हो सकता है। घबराओ नहीं माँ, तुम्हारा आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। तुम देखना मैं कितनी खूबसूरत बिल्डिंग बनाऊंगा। भगवान तेरी सहायता करे मामा, भगवान तेरी सहायता करे। गुड मॉर्निंग। बुलाया सर? हाँ समीर। सर आज हिंदुस्तान के सारे न्यूज़पेपर हमारे प्रोजेक्ट और हमारी फर्म की तारीफ से भरे हुए। और सर देखिए आपके बारे में भी कितनी तारीफ लिखी। ये अखबार वाले भी अजीब हो गए। आप ही बताइए मिस्टर सक्सेना, क्या हम और हमारा फर्म इस तारीफ के हकदार हैं? क्यों नहीं सर, पूरे पूरे हकदार हैं। हमने उस नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। नो मिस्टर सक्सेना, हमने तो इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया था और फिर हमारे सब इंजीनियर के खिलाफ थे। अगर इस तारीफ और कामयाबी का कोई हकदार है तो वो सिर्फ समीर है। थैंक यू सर। समीर, आज हम इस खुशी के मौके पे तुम्हें अपने फर्म का चीफ इंजीनियर मुकर्रर करते हैं, और ये है हमारे फर्म की तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा, एक नया घर और एक नई गाड़ी। थैंक यू सर। आइए आइए भाजा साहब, बड़ी देर कर दीजिए, क्या है? आहा, बड़ी प्यारी चीज है। माँ,
तुमने इस मकान को स्वर्ग से भी सुंदर सजा दिया है। पसंद आया तुझे? बात ना, ये लीजिए आपकी कृष्ण कन्हैया। बड़ी सुंदर मूर्ति है, इतनी देर कहाँ लगा दी? आपकी कन्हैया को ढूंढ रहा था मां, बड़ी मुश्किल से मिले हैं। बहन, भांजा साहब ठीक कहते हैं, आजकल ये बंसी वाला किसी से मिलता नहीं, न अपनी बंसी बजाता है। जानती हो क्यों? क्योंकि आजकल इसकी बंसी कोई सुनता ही नहीं, सब अपनी अपनी बंसी बजाने में मगन। जी डैडी, ये बहुत बुरी बात है। हमने तुम्हें आजादी दे रखी है, इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम जो चाहो करती रहो, जहाँ चाहो घूमती रहो। सॉरी डैडी, आइंदा देखनी होगी। देखो बेटा, अब तुम बड़ी हो गई हो, हम चाहते हैं कि अपनी जिम्मेदारी को पूरी करें, तुम्हारी शादी करा दें। मैंने एक लड़का पसंद किया है। डैडी। क्या है डैडी? मैं किसी और से। किसी और से? किसी और से क्या? क्या क्या तुम किसी से मोहब्बत करती हो? देखो बेटी, तुम अभी तक इतनी समझदार नहीं हो कि अपने भविष्य के बारे में सोच सको, अपनी पसंद का सही अंदाजा लगा सको। मैंने तुम्हारे लिए जो लड़का पसंद किया है, कल वो 10 बजे ऑफिस में आ रहा है, तुम आकर उसे मिलो। डैडी, एक बार उसे देख लीजिए जिसे मैंने पसंद किया है। अगर आपको उसमें किसी भी बात की कमी नजर आएगी तो मैं वैसे ही करूंगी जैसे आप कहेंगे। ये हाँ, भेज दो अंदर। रोशनी, वो आ रहा है। डैडी, आप मेरी बात तो सुनिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज डैडी। कम कम, तुम आ गए। मुझे यकीन था कि तुम मेरी बात को नहीं टालोगे। तो ये रिश्ता तुम्हें मंजूर है? नहीं, मैं मजबूर हूँ। मजबूर हो? ठीक है, इधर तुम मजबूर हो, उधर हमारी बेटी। जब तुम दोनों मजबूर हो तो हम भी तुम्हें मजबूर करना नहीं चाहते। तुम जा सकते हो समीर। वेट अ मिनट। समीर, समीर। ओ डैडी। La 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 जीने का दिन मर जाने का मौसम है इन नजारों में, इस दिल का क्या हाल करूं ऐसी बहारों में। जीने का दिन मर जाने का मौसम है इन नजारों में, मैं अपना क्या हाल करूं कह दो इशारों में। छूने से मेरे सुर्ख लबों की कलियां निखरी जैसे फूल के, आज तलक दिल में जो दबे हैं अरमान, कह दो सजनों खुल के। चले चाहत के मारों में, जीने का दिन मर जाने का मौसम है इन नजारों में,
इस दिल का क्या हाल करूं ऐसी बहारों में। तो ये गुलजार ये गुल ये शाखे रोके चाहे जितना ला 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 तुम ही लेगी मेरी नजर तुमको हजारों में। जीने का दिन मर जाने का मौसम है इन नजारों में। मैं अपना क्या हाल करूं कह दो इशारों में। नमस्ते नानी माँ। जीती रहो बेटी। नमस्ते माँ जी। जीती रहो बेटे। चार दिन के लिए मैं माँ के घर के आ गई, लड़का भी पसंद कर लिया, सगाई की बात भी पक्की कर ली। अगर तुम दो चार दिन और ना आती तो शादी भी हो जाती। आखिर मेरा भी तो हक है रोशनी पर, माँ होने के नाते मुझसे तो पूछा होता। तुमने कभी भी इस घर को अपना घर समझा? कभी बेटी को माँ का प्यार दिया? माँ के होते हुए रोशनी मेरी गोद में पलकर बड़ी हुई, शादी तुमने मुझसे की और जीवन गुजार दिया माँ के साथ मेके में। डैडी, तुमने तो इस घर को होटल समझ रखा है, बस आई शॉपिंग की, झगड़ा की और चल दी। देखा माँ, आते झगड़ा शुरू कर दिया। मम्मी डैडी आप दोनों तो बस एक दूसरे को देखते ही बच्चों की तरह झगड़ना शुरू कर देते हैं और मैं अपने आप को बुजुर्ग समझने लगती हूँ। तू ही बता रोशनी, क्या माँ होने के नाते मेरा कोई फर्ज नहीं? अब तो मैं याद आ रहा है माँ का फर्ज। भगवान ने तुम्हें ये मौका रोशनी के जन्म से पहले भी दिया था। मेरे मरहूम दोस्त भारत ने अपने मासूम बच्चे को तुम्हें माँ समझकर ही सौंपा था, लेकिन तुमने और तुम्हारी माँ ने उस पर वो जुल्म ढाए कि वो मासूम घर छोड़कर भाग गया। क्या यही होता है माँ का फर्ज? डैडी आपने मुझसे वादा किया था ना कि आइंदा गुस्सा नहीं होंगे। अगर आप रोशनी के पिता हैं तो मैं भी उसकी माँ हूँ, ना जात बिरादरी देखी ना खानदान। रोशनी के मंगेतर का खानदान है शराफत, बिरादरी है इंसानियत और धर्म है काबिलियत। रोशनी को हासिल करना ही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है। ये मेरा फैसला है कि रोशनी की मंगनी समीर से ही होगी। जल्दी जल्दी करने पर भी तू खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? जल्दी से ये सूट भी लगा दे, इतना वक्त हो गया। मम्मी का वक्त गुजरा जा रहा है, ना मुन्ना आया है ना भाई साहब। बहन भाई साहब आ गए। अरे दौड़ो दौड़ो संभालो, संभाल के लाना। यही रख दो, बस यही रख दो। बड़ी देर कर दी भाई साहब, सारी मिठाइयाँ ले आ। हिंदुस्तान के कोने कोने से मिठाई लाया हूँ। बंगाल का रसगुल्ला, मथुरा का पेड़ा, दिल्ली का सोहन हलवा, बम्बई का श्रीखंड। अच्छा अच्छा अच्छा, जो मैं लाई हूँ वो भी देखिए। ये देखिए रोशनी की, ये साड़ी उससे रंग खिलेगा ना। बहुत अच्छा, आपका सूट ही आ गया। मेरा सूट देखिए ना, मुन्ना अभी तक नहीं आया। आज सगाई के दिन भी उसे काम काज से फुर्सत नहीं। जरा आप फोन कर दीजिए। अभी करा, मुन्ना आ गया। लो तुम, मुन्ना आ गया। अरे हजार बरस जिएगा मेरा बच्चा। ये देख तेरा सूट कैसा है, और ये सगाई की अंगूठी रोशनी के लिए, बोला कैसी है? बहुत खूबसूरत है, तुम्हारी दिल की तरह। अच्छा जा, अब जल्दी से तैयार हो जा, चल जल्दी कर। इतनी ताली क्यों हुई माँ? अभी तो ढाई घंटे में पहुँचना है। अरे पगले, दिल में खुशी हो ना तो ढाई घंटे ढाई पल में गुजर जाते हैं। चल चल जल्दी जल्दी जा। और आप इसी तरह जाएंगे? नहीं नहीं, आप इसी तरह जाएंगे, आप दूल्हे की माँ हैं, जल्दी तैयार हो जाएंगे। जल्दी तैयार हो जाएंगे। क्या हुआ? अरे कुछ कहोगी जी? दिखा रही थी क्या? ये क्या है? अंगूठी नहीं तो और क्या
तभी सोचा था जब तू बड़ा होगा, बड़ा आदमी बन जाएगा, तब तुझसे कहूंगी इन सबको बटोर ले, संभाल ले, इन्हें वो सत्य दे जो इन्हें चाहिए, जो इन्हें किसी ने नहीं दिया। एक ऐसा घर दे दे जिसकी छत आसमान की तरह फैली हुई हो और जिसका आंगन धरती की तरह विशाल हो, जहाँ इनकी उम्र पले बड़े जवान हो, खूबसूरत हो, तेरी तरह बिल्कुल मेरे मुन्नी की तरह। माँ, तुम्हारी भावना कितनी खूबसूरत है। तुम देखना माँ, मैं ऐसे ही घर बनाऊंगा जैसा तुमने सोचा है। सच माँ, उतना ही सुंदर। शाबाश, टीचर हूँ। अगर मैं किसी काम आ सकूं तो मेरी जान हाजिर है। बस मामा जी, तैयार हो जाइए, इसी पल हमें जुट जाना चाहिए। अरे लेकिन इतनी जल्दी क्या है, पहले तेरा ब्याह तो हो जाए, रोशनी तो बहू बन के घर आ जाए। नहीं माँ, ये आश्रम शादी से पहले ही बनेगा। बिल्कुल ठीक, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। इस आश्रम को बनाने में कितने रुपयों की जरूरत पड़ेगी? तकरीबन 5-6 लाख की सर। समझी जी, आप विचार कर रहे हैं कि ये सब रुपए कैसे इकट्ठे होंगे। ठीक है, विचार करने की बात है, आप भी विचार कीजिए, मैं भी विचार करता हूँ कैसे इकट्ठे होंगे। विचार पूरा हो गया और रुपया इकट्ठा हो गया और आश्रम भी बन गया। कैसे है, आपने हेलन मैन साहब का नाम सुना है? वो मेरी बहुत पक्की दोस्त है। हेलन मैन साहब? इनका मतलब फिल्म स्टार हेलन जी से। मामा जी, इनसे क्या मदद ले सकते हैं इस मामले में? क्या मदद ले सकते हैं? हम एक प्रोग्राम करेंगे, शानदार प्रोग्राम हेलन का, और जब वो स्टेज पे नाचेगी तो बच्चे बूढ़े जवान सब उसके साथ नाचेंगे। और ये समझी जी, उसने तलाश में एक नाचा है, एक नाच के मजा आ गया है, वो उसके साथ गाना भी गाया है कि कर ले प्यार, कर ले के दिन है। मामा जी, सॉरी सॉरी। अच्छा, आप लोग ये प्रोग्राम कीजिए और ये रहा मेरी तरफ से 1 लाख का चेक। बच्चों के हाथ में इतना बड़ा रकम नहीं दिया जाता। शुक्रिया, नमस्ते, थैंक यू। थैंक यू सर। अरे साहब, ये चेक तो कैश हो जाएगा ना? अच्छा, हम कहाँ बिगड़ता है यार। अरे भाया, वो
वो नया छोकरो समीर जब से घोटाला कंपनी में आर्किटेक्ट बनकर आए हो ना, अरे तब से अपनी कंपनी का घोटाला हो गया है। यही सोचा है भाया, यही सोचा है। अरे समीर आ गयो, आओ आओ। यह हमारी प्राइवेट सेक्रेटरी है, यह हमारी वेरी वेरी प्राइवेट सेक्रेटरी, जैसे मोटर का टायर और मोटर का स्पेयर टायर। आपने मुझे किस लिए बुलवाया था? अजी इसलिए बुलवाया था, देखिए ना, 1,00,000 रुपए का चेक। जी हाँ, आपकी माता जी के आशु के लिए दान। पहले मैंने आपके बारे में कुछ और ही समझा था, पर आप तो कुछ और ही नहीं। अरे हमारा आपका तो अब दान पुण्य का नाता हो गया है। आपकी माता जी समाज की ठुकराई हुई लड़कियों का आश्रम खोल रही है ना, सेठ जी ने समाज को ठुकराने वाली लड़कियों का आश्रम खोल दिया है। थैंक यू सेठ जी, मैं चलता हूँ सेठ जी, मैं चेक देकर बहुत खुश होगी। अजी ठहरो, तो हमारी समस्या तो हल हो गई, अब हमारी समस्या भी तो हल कर दो। मैं मामूली आदमी, आपकी क्या समस्या हल कर सकता हूँ सेठ जी। समीर बाबू, तुम मेरी कंपनी में जनरल मैनेजर नहीं तो पार्टनर बन के आ जाओ, ताकि मैं कभी कभी इन देवियों के साथ संन्यास ले लिया करूं। मगर सेठ जी, मेरी कंपनी वाले मुझसे बहुत खुश हैं और मैं भी उनसे बहुत खुश हूं। मैं उन्हें छोड़ नहीं सकता जब तक वो मुझे ना छोड़े। मैंने मालूम था सर यही बोलेगा, अरे निकालने का इंतजाम भी मैंने सोच रखा है। आओ मेरे साथ, यहाँ बैठ जाओ जल्दी से। बात यह समीर बाबू, या तो है शराब और या है शराब, इन दोनों का मिक्सचर पी लो तो थारे को थारी नौकरी से जवाब। मैंने सुना था हमारी कंपनी की वजह से आपकी कंपनी डाउन हो रही है, तो आपने 1,00,000 रुपए का डोनेशन इसलिए दिया था कि मैं अपनी नौकरी छोड़कर आपके पास आ जाऊं। आदमी होशियार सेठ जी, ये करप्शन है। अजी करप्शन में आजकल किसको ऑब्जेक्शन है? मुझे ऑब्जेक्शन है। आप मुझे खरीद नहीं सकते सेठ जी, ये रहा आपका 1,00,000 रुपए का। अजी 1,00,000 का जूता मार के चला गया जवाब जी, पिलाओ तो शराब की। पीछे हर के जी मैं गोमती आश्रम मैनेजिंग कमेटी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज शाम की फंक्शन का मुझे प्रेसिडेंट बनाया। जिस देवी के मन में ये भावना जागी कि एक ऐसा आश्रम बनाया जाए जहाँ समाज के ठुकराए हुए लोग शरण पा सकें, वो देवी गंगा बहन हमारे साथ यहीं मौजूद हैं। मेरी दरख्वास्त है कि वो स्टेज पे आएं और चंद शब्द बोलें। क्यों गंगा भाई, के हाले थारो? क्यों मेरे को पहचाना नहीं क्या? हटिए साहब, रास्ता दीजिए। अरे हटिए क्या, गंगा भाई रास्ते में मिल जाए तो हम रास्ता छोड़ कैसे दें? ये तो गंगा भाई के इंसलेट है। क्यों गंगा भाई, समीर बाबू तुम तो आज के बच्चे हो और गंगा भाई से हमारी कल की दोस्ती है। क्यों गंगा भाई, माफ कीजिए साहब, आपको गलतफहमी हुई है। अजी गंगा भाई के बारे में कैसे गलतफहमी हो सकती है? इनका एक दफा गाना सुन लियो और नाच देख लियो तो सारी उम्र मेरी तरफ दीवाना होके फिरो तुम। हाँ, ये तो लखनऊ के मशहूर चौकी मशहूर तवायब मशहूर गंगा भाई है। हाँ। मैं तेरा सर तोड़ दूंगा, अपनी शर्त वापस ले। ये कैसा शर्त वापस लूं? मैं झूठ बोलूं क्या? शरीफ राख रखू, हमेशा सच बोलू। तो गंगा भाई बोलो, तुम गायक हो कि नहीं? कमीना मेरी माँ के पवित्र दामन पर कीचड़ उछल रहा है सर, इसलिए कि मैंने इसकी सारी ऑफिस को ठोकर मार दी। ये मुझे खरीदना चाहता था सर, पर मैं बिक ना सका, इसलिए ये कुत्ता अपनी इज्जत बता रहा है सर। मैं इसकी जान ले लूंगा। अजी ले लेना ले लेना, पहले अपनी माँ से पूछ लो कि सच क्या है। रुक जाओ मुन्ना, बोलो गंगा भाई सच बोलो। माँ
कह दो ये सब झूठ है, बकवास है, मैं इसे दूसरी सांस नहीं लेने दूंगा। मां मीना, इन्होंने जो कुछ कहा वो सब सच है। इंतजार करोगी, 3 बज गए, चलो अंदर आराम करो। मुन्ना आ जाएगा, आ जाएगा, चलो अंदर। भगवान पर भरोसा रखो, उसे कुछ नहीं होगा, वो वापस आ जाएगा घर। मेरे पिता, इसके बाद मैं और कुछ नहीं मांगूंगी, मेरे मुन्ने को लौटा दो, मेरे मुन्ने को लौटा दो। मजबूरियां हैं उनकी, लेकिन तुम तो कमजोर नहीं हो।
उस माँ के बेटे हो जिसकी जिंदगी के एक बहुत अहम मौके पर एक गंदे और जलील इंसान ने उनके सामने एक जहरीला सच लाकर खड़ा कर दिया। अगर वो चाहती तो उसे झुठला सकती थी और हम सब उनके कहने को मान लेते, तुम मैं सारा समाज, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? इसलिए कि अगर वो ये झूठ बोल देती तो तुम जो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच हो झूठा पड़ जाता, उनकी कुर्बानियां झूठी पड़ जाती, उनकी तपस्या झूठी पड़ जाती। वो औरत जो हालात से डरी नहीं, जो सच से भागी नहीं, जिसने अपने खून से सींच कर सच को तुम्हारी शक्ल में दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया, तुम उसके अरमानों का खून करना चाहते हो? मुझे वो दिन अभी तक याद है जब इसी जगह इसी ऑफिस में तुम्हारी आवाज उन तमाम तजुर्बेकार आवाजों से ज्यादा ऊंची थी। उस वक्त मैंने महसूस किया था कि तुम एक ऐसे नौजवान हो जिसका विश्वास उसे एक दिन बहुत बड़ा इंसान बना देगा। आज तुम उसी विश्वास को तोड़ देना चाहते हो, अपनी मां के अभिमान का गला घोंट देना चाहते हो। एक औरत की महानता को दुनिया से तुम ही मनवा सकते हो। अपनी मां के हाथों को चूम कर कह दो कि तुम इस बात में जरा भी शर्मिंदा नहीं हो कि तुम उनके बेटे हो। मैं समीर की मां नहीं हूँ। समीर तवायस का बेटा नहीं है। देखा मां, जिसे जन्म दिया उसी की मां होने से इनकार कर रही है। राम राम, कितना बड़ा झूठ बोल रही है। राम 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 ही की सौगंध, मैं सच कह रही हूँ। मुन्ना मेरी कोख से नहीं जन्मा, बरसों की बात है, मगर मुझे तो ये महसूस होता है जैसे कल ही की हो। मंदिर में एक दिन मुन्ने ने मेरा आंचल थाम कर कहा था, मुन्ना मां, तुम्हारा मुन्ना। मेरा मुन्ना? नहीं पहचान मां, तुम जब पापा से उठकर भगवान के घर आई थी तो मैं बहुत छोटा था, फिर तुम बहुत दिन तक वापस नहीं, तो फिर भी बड़ा हो गया। ये तो मैं समझ गई कि बिन माँ का ये मासूम अपने पापा की बनाई हुई तस्वीर के सहारे मुझे अपनी माँ समझ बैठा है। पापा ने सच्ची सच्ची बोला ना माँ? हाँ बिल्कुल, लेकिन लेकिन तुम्हारी माँ नहीं, उसकी बड़ी बड़ी आंखों के आंसू, उसकी सिसकती हुई आवाज आज भी मुझे उसी तरह याद है। ये बिलकती हुई पुकार सुनकर मेरा दिल एक माँ का दिल तड़प उठा। मैंने अपनी खाली झोली फैलाकर ममता के इस तरसते हुए फूल को समेट लिया, अपने कलेजे से लगा लिया। मुझसे कसूर हुआ, बहुत बड़ा कसूर किया मैंने। बाजार और कोठे पर रहने वाली एक औरत ममता में अंधी होकर मां बन बैठी। भूल गई कि उसके माथे पर लिखा हुआ जन्म से ये शब्द तवायफ उसे अंधे मुले गिरेगा, उसके मुन्ने की सारी खुशियां सारी मुस्कुराहटें छीन लेगा। ये रिश्ता तोड़कर मेरे कसूर की सजा इन दो निर्दोष जिंदगियों को न दीजिए। आप ही माँ हैं, बड़ी आस लेकर बड़े साहस के साथ आपके पास आई हूँ कि पूरी बात जानकर आप। तुम मुझे दूध पीती बच्ची समझती हो जो मन घड़त कहानी सुनकर तुम्हारा एतबार कर लूंगी? हाँ, अगर तुम ये कहती कि माँ तो उसकी तू ही है, मगर बाप न जाने कौन है, तो जरूर यकीन कर लेते। आप यकीन करें या ना करें, लेकिन समीर मेरा बेटा नहीं है, नहीं है। और जिन नेकियों को आप जैसे लोग जिंदगी में कभी सर उठाने का मौका नहीं देते, मैंने देखा है। एक तवायफ की जिंदगी में रहकर मैंने देखा है कि वो मासूम बच्ची हरिओम कहने वालों की, मुकद्दस बाइबल चूमने वालों की और अल्लाह अकबर कहने वालों की औलादें होती हैं। गंगा, तू हद से आगे बढ़ रही है, अपनी औकात में रह, निकल जा यहाँ से, वरना धक्के मार कर इस घर से बाहर निकाल दूंगी। महादेवा, अरे महादेवा, निकाल बाहर इस गंगा को, घर में घुसकर सारा घर अपवित्र कर दिया। आपकी आंखों में आंसू? रोशनी, रोशनी इधर आओ। आप ठहरिए। क्या हुआ माँ? माँ जी, माँ जी, एक तवायफ को माँ जी कहती है, दिमाग खराब हो गया है तेरा? ये क्या कह रही हो माँ? रुक जाओ रोशनी, इस गंदगी के पीछे भाग रही हो,
माँ जी के बारे में ऐसे विचार हैं आपके, ये जानकर मुझे बहुत दुख हुआ माँ। रोशनी बिटिया, दुख तो उसे है इस खानदान से रिश्ता टूट जाने का, सगाई टूट जाने का। क्या सगाई तोड़ दी? ये तुमने क्या किया माँ? तू तो इस तरह चौंक रही है जैसे आसमान फट पड़ा हो। हमारी बेटी एक तवायफ के बेटे से कैसे शादी कर सकती है? अगर मेरी शादी हो जाती और उसके बाद आपको ये मालूम होता कि वो एक तवायफ का बेटा है तो क्या तलाक दिलवा देती? अगर हमारे बच्चे हो जाते तो क्या उन मासूमों का गला घोट देती? बोलो माँ क्या करती? ये तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि ये अनर्थ होने से बच गया, वरना मैं मारे शर्म के जहर खा के मर जाती। जहर खा लेती? अरे मैं तो गंगा जी में डूब मरती। जन्म से कोई औरत तवायफ नहीं होती नानी माँ। दुनिया में ऐसी कोई औरत नहीं जो खुद तवायफ बनना चाहती हो। हर औरत के दिल में किसी की माँ, किसी की बहू, किसी की बीवी बनने की तमन्ना होती है। लेकिन तवायफ के बच्चे की समाज में क्या जगह है ये तुम जानती हो माँ? तवायफ का खून और एक शरीफ इंसान का खून ले जाकर इन समाज के ठेकेदारों से पूछो, क्या वो बता सकते हैं कि एक तवायफ का खून कौन सा है और शरीफ इंसान का कौन सा? माँ, माँ जी की भावनाओं की कदर करो, उनकी महानता की दाद दो। इस सच के ख्याल से ही इंसान की रूह कांप जाए। माँ जी ने उस सच को हजारों के सामने सर उठाकर अपना लिया। कोई महान आत्मा ही ऐसा कर सकती है। मेरा सपना तो तब पूरा होगा जब मैं उनकी बहू बनकर माँ के रूप में उन्हें अपना लूंगी। मोहब्बत का नशा 3 दिन में तो जाएगा रोशनी, जब तुम मिसेस समीर बनकर सोसाइटी में लोगों से मिलोगी। क्या उस वक्त भी सर उठाकर कह सकोगी कि तुम्हें इस बात पर फखर है कि जिस शख्स की तुम बीवी हो उसकी माँ तवायफ है? इसमें शर्म की क्या बात है, सच को सर उठाकर कहना आप ही ने तो सिखाया है। और फिर दादी, सोसाइटी तो एक ऐसा दायरा है जिसमें अक्सर अच्छाइयों का गला घोट दिया जाता है। दादी, आप तो मेरा साथ दीजिए, सोसाइटी के डर से मेरे जीवन को नरक मत बनने दीजिए। मैं सिर्फ यही जानना चाहता था कि क्या सही है क्या गलत, इसे तुम खुद महसूस करो और अपना हक मांगो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी शादी समीर से होगी। दादी, दिमाग तो ठीक है आपका? जी हाँ। जी हाँ क्या, एक तवायफ के बेटे को अपना दामाद बनाकर खानदान का नाम रोशन करेंगे आप? खानदान का नाम ही रोशन नहीं होगा बल्कि हजारों और लाखों दिमाग रोशन हो जाएंगे। क्या खाक रोशन हो जाएंगे? खानदान की नाक कट जाएगी, हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। किसी भी धर्म ने यह जुल्म नहीं सिखाया कि खानदान के नाम पर मासूम जिंदगियों की भेंट चढ़ा दी जाए। आज जब मैं एक सच को फर्ज समझकर पूरा करना चाहता हूँ, तुम मेरे घर की चौखट, मेरे रास्ते की दीवार बनना चाहती हो। अगर तुम जमाने का मुकाबला करने में मेरा साथ नहीं दे सकती तो मेरे रास्ते की रुकावट भी मत बनो। आओ बेटी। क्या बेटे? अरे माँ खिलौने के कारखाने में है। कपड़े पहन के लिए अभी आया। मैं खिलौने की वर्कशॉप पे गई हूँ, अब बैठे मैं उन्हें बुला लेता। नहीं नहीं कभी, हम भी तुम्हारे साथ चलते। ये तस्वीर यहाँ, ये मेरे बचपन की तस्वीर है सर। तुम्हारे बचपन की? ये तुम्हारी तस्वीर है? जी हाँ। क्या बात है? समीर बेटा, ये तुम्हारी तस्वीर है? मैंने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा, सारी दुनिया में तलाश किया, लेकिन तुम्हारा कहीं पता नहीं चला। और आज जो तुम मिले हो तो दिल के कितने करीब। मैं कुछ समझा नहीं। तुम समझोगे भी नहीं। क्या है जैसे? कुछ नहीं बेटा, चलो मुझे अपनी माँ के पास ले चलो। चलिए। चली मैं के? जी हाँ। चलो मेरे साथ। कहाँ? कहीं भी। मगर मैं कहता हूँ चलो मेरे साथ। माँ आओ। चलो माँ चलो ना। चलो। अच्छा
आज मेरे घर में जो आपके साथ सलूक हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। आज से बरसों पहले मेरी दोस्ती और मेरे तबार को ऐसा धब्बा लगा जिसकी वजह से मेरी आत्मा मुझे आज तक कोस रही और जिसकी जिम्मेदार ये दोनों मां बेटियां हैं। मैं आज तक न इन्हें माफ कर सका और ना अपने आप को, लेकिन आज आपके उपकार ने मेरी दोस्ती, एतबार और मेरी जिंदगी को नया जन्म दिया। आज आपके घर में मैंने समीर की बचपन की तस्वीर देखी। शायद आप नहीं जानती, समीर मेरे बचपन का दोस्त, भारत का खोया हुआ बेटा है। ये तो हमारे नसीब अच्छे थे जो इसे आपकी गोद मिली। क्या आप भी तुम्हें शर्म आती है इस देवी से माफी मांगने में? चलो छुवन के पाओ और माफी मांगो। रोशनी, मैं इस काबिल नहीं कि ये मुझे माफ कर सके। तू इनके चरण छू, शायद तुझे आशीर्वाद मिल जाए। मां, जीते रहो रोशनी, जीते रहो। मीना, तू कितना खुशनसीब है। मीना, आज तुझे सब तेरे अपने मिल गए। मेरी वजह से तुझे बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ी ना बेटी। हो सके तो मुझे माफ कर दे। तुम्हारी कसम माँ, कभी माफ नहीं करूंगा। उसने मुझे इस जन्म में भी तुम्हारी कोख से जन्म क्यों नहीं दिया माँ?